कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत गौतम बुद्धा हॉस्पिटल कूड़ाघाट पीपल डाड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा था। जिला प्रशासन व सीएमओ की गैर जानकारी में हो रहे इलाज की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने पहुंचकर हॉस्पिटल को सील कर दिया तथा संबंधित चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि शासन के आदेश के तहत कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना मरीज का इलाज नहीं कर सकता है, लेकिन आदेशों का उल्लंघन कर गौतम बुद्धा हॉस्पिटल मरीज को भर्ती कर उसका इलाज कर रहा था, इसलिए जिला प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सावधानी ही इसका बचाव है, इसलिए सावधानी बरतें और मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को बार बार धुलें जिसमें कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा। तो उसने आज इसको बता दिया नहीं पता था पॉजिटिव है आज आज तो उसने उसको बता दिया। अब उसके साथ ये यहाँ पे रहे होंगे लोग, डॉक्टर भी रहे होंगे, मरीज भी रहे होंगे, सब इसने छटर गिरा के सब भाग गए, सब हम भी गए। हाँ, और ये अनरजिस्टर्ड अपंजीकृत है, ये जो है हॉस्पिटल अपंजीकृत है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उसने इसको सील कर दिया। ठीक है, इसको सील वैसे करना है क्योंकि कोरोना संक्रमित व्यक्ति नहीं है, और दूसरा ये अपंजीकृत वो है अस्पताल, इसलिए इसको सील कर दिया गया है। अब हमारा काम ये है, मेन काम जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो इसके साथ थे पांच छह लोग जो भी है उनका डिटेल करना, क्योंकि उनमें भी वो निश्चित तौर पर कोरोना होगा सर, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि चार्ज कर रहा है वो साथ में उनके। तो बहुत खत्म हो चुकी है, तो मत छोड़ो, तुम मत छोड़ो, ओरे मत छोड़ो। हेलो, अभी लोग सावधानी बढ़ते हैं, ये कोरोना का संक्रमण बहुत फैल चुका है, किसी को भी नहीं पता है किसमें कोरोना है। आप सभी लोग बगैर मास्क के ना निकले, खासतौर पर इस एरिया अनावश्यक तौर पर बिल्कुल ना निकले। इस एरिया में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला है, कोरोना का प्रभाव बहुत तेजी से फैलता है, आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये वायरस खा जाता है, इसीलिए आप सभी लोग अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, क्योंकि एक ही व्यक्ति से हो गया तो पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा मोहल्ला संक्रमित हो सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति संक्रमित फैल चुका है, यहाँ पे और लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे, इसीलिए आप अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकलें, और जो व्यक्ति घर से बाहर गया है अभी वो आ जाएंगे, उनके बाद उनका मूवमेंट बंद रहेगा। आप सभी लोग अपने घरों में रहें, मास्क लगाकर रहें, मास्क लगाकर ही निकलें, अगर उसके ना निकलें हाथ धोते रहें, ये वायरस इतना खतरनाक है पता ही नहीं चलेगा और अंदर ही अंदर संक्रमित कर देगा सभी को, इसीलिए खासतौर पर बच्चे और जो हमारे बुजुर्ग हैं और जिनको पहले से कुछ बीमारी है वो विशेष तौर पर ध्यान रखें, घरों में ही रहें, घरों से बाहर। देखिए, बुद्धा हॉस्पिटल में हमें शिकायत मिल रही थी कि बिना पंजीकरण के वो अस्पताल चल रहा है और कई सारे पेशेंट को वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो एक पेशेंट था जो महाराजगंज से आया था और जो कि महाराजगंज में उसका सैंपल हुआ था, क्योंकि पॉजिटिव पाया गया, पॉजिटिव पाते ही उस हॉस्पिटल में ने क्या किया, बिना सूचना दिए उस पेशेंट को वहाँ से निकाल दिया, और जब उस पर हमने दबिश दी तो देखा कि कोई उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई पंजीकरण नहीं था। तो ऐसे में महामारी एक तो छुपाने में, क्योंकि महामारी को उसने छुपाया और उस व्यक्ति को बगैर किसी को सूचना दिए वहाँ से निकाल दिया, खुद वो लोग जितने लोग उस पर कार्यरत थे वो लोग भी हमारे पहुँचने से पहले ही सारे लोग भाग गए। तो चूँकि अब उस संक्रमित व्यक्ति से कौन कौन मिला है, कैसे कैसे मिला है, तो महामारी को फैलाने और उसके तथ्य को छुपाने के लिए तब महामारी अधिनियम और आपदा अधिनियम में हमने अभियोग दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखा है और उस अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सील कर दिया गया है और उसमें किसी भी तरह की गतिविधि नहीं संचालित की जाएगी। साथ के साथ आपराधिक कृत्य मानते हुए विभिन्न धाराओं में उस पर अभियोग दर्ज कराया जाएगा और उस पूरे परिसर को हमने सील कर दिया है ताकि जो हॉटस्पॉट एरिया होता है उसके जो भी SOPs होते हैं उसका पालन पूरी तरीके से किया जा सके।